जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हाउ टू लोड प्रोपेन। प्रोपेन किस तरीके से लोड करेंगे? तो प्रोपेन जो है इट इज़ आईजीसी कोड के अंडर में आता है, तो वी विल सीक आउट कि आईजीसी कोड में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ये आईजीसी कोड है, दिस इज आई हैव ओपन, तो ये आईजीसी कोड, इसमें जो भी जो इसमें चैप्टर 19 है, जस्ट टू शो कि चैप्टर 19 जो है ये समरी ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसी में सारे के सारे वो हमारे पास कार्गो हैं जो कि हम आईजीसी कोड के अकॉर्डिंगली लोड कर सकते हैं। तो इसमें प्रोपेन भी होना चाहिए। और तो वी आर हैविंग चैप्टर 19 में चले जाते हैं, वी विल सी। दिस इज चैप्टर 19। तो चैप्टर 19 में समरी ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट ऑफ द समरी ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि यूएन नंबर जो है, द यूएन नंबर एज लिस्टेड इन चैप्टर 19 आर इंटेंडेड फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली। एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लेमेबल वेपर डिटेक्शन। टी का मतलब टॉक्सिक वेपर, ओ का मतलब ऑक्सीजन एनालाइजर, एफ प्लस टी का मतलब क्या है। फिर यहाँ गेजिंग टाइप लिखा हुआ है, परमिटेड गेजिंग टाइप परमिटेड, कॉलम जी में लिखा हुआ है, कॉलम एफ में ये लिखा हुआ है, आई सी आर ये सब। फिर आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। आर का मतलब है इनडायरेक्ट क्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टेड एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 13 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल 1 कॉमा डेसिमल 2 कॉमा डेसिमल 3 एंड डेसिमल 4। तो अकॉर्डिंगली इसके होगा। फिर रेफ्रिजरेंट गैस में कौन कौन सी होती हैं, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल गैसेज एज सच एज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन एंड ऑल दिस, ये लिखी हुई है। फिर यहाँ पे ये भी एम एफ ए जे गाइड का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, और अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड गैस मिक्सचर कंटेन लेस देन 5% टोटल एसिटिलीन्स मे बी ट्रांसपोर्टेड विथ नो फर्दर रिक्वायरमेंट दैन दोज प्रोवाइडेड फॉर द मेजर कंपोनेंट्स। तो ये रेफ्रिजरेंट गैस के लिए लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑल। तो ओके, नाउ वी कम टू व्हाट प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट नेम, यूएन नंबर, शिप टाइप, कौन सी शिप टाइप में लोड कर सकते हो, इंडिपेंडेंट टैंक टाइप सी रिक्वायर्ड, इंडिपेंडेंट टाइप सी रिक्वायर्ड। देन कंट्रोल ऑफ द वेपर स्पेस विथ कार्गो टैंक्स, वेपर डिटेक्शन गेजिंग एम एफ ए जी स्पेशल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये दिया हुआ है। और जैसे ये एक कोई भी अपना ये ले लें, ब्यूटेन, वी हैव सिंपल ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन है उसका यूएन नंबर दिया हुआ है। फिर कौन से टाइप ऑफ शिप में लोड कर सकते हैं, फिर वेपर डिटेक्शन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टैंक सी रिक्वायर्ड है नहीं है वो दिया हुआ है। फिर कंट्रोल ऑफ द वेपर्स, तो ये एफ और आर लिखा हुआ है। फिर एम एफ ए जी टेबल नंबर 310 और ये सब लिखा हुआ है। तो इट इज़ सेम लाइक वी विल गो फॉर प्रोपेन, की प्रोपेन का क्या है, प्रोपेन का मुझे इस पेज पे मिला हुआ था तो मैंने येलो मार्क से कर लिया था। तो इट इज़ नॉट लाइक कि इसमें, जैसे इसमें भी सेम थिंग्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें भी वही यूएन नंबर, टाइप सी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, या क्या है वेपर डिटेक्शन गेजिंग एम एफ ए जी स्पेशल रिक्वायरमेंट, सेम थिंग्स। तो इसमें जो प्रोपेन है, प्रोपेन के लिए लिखा हुआ है, ओके प्रोपेन द नेम, फिर यूएन नंबर हो गया। फिर किस टाइप के हम शिप्स पे लोड कर सकते हैं, 2G और 2PG टाइप में हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट टाइप सी में कुछ नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे दिस वन इज़ फॉर इंडिपेंडेंट टाइप सी और कंट्रोल ऑफ वेपर्स।
तो इसमें इंडिपेंडेंट टाइप सी में कुछ नहीं लिखा है, वेपर में कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ गेजिंग में वेपर डिटेक्शन में एफ लिख के रखा हुआ है और गेजिंग में आर और एम एफ ए जी में 310 लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम चले गए, एफ और आर लिखा हुआ था तो एफ देख लिया, फ्लेमेबल वेपर डिटेक्टर डिटेक्शन, और आर में कहते क्या लिखा, इनडायरेक्ट क्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टेड एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 13.2.2 1.2.3 एंड 4 ये लिखा हुआ है। और जो भी हैं जैसे कि अपना प्रोपेन था, यहाँ पे प्रोपेन के यहाँ पे दैट इज़ अ स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट में प्रोपेन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वेयर एज जो अपना प्रोपेलिन ऑक्साइड है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ये सब। ये या इसमें देख लेते हैं पेंटीन में जो कि आइसोमर है, तो उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे इनर्ट लिखा हुआ है तो ये इनर्ट जो है वो कार्गो वेपर स्पेसिस में लिखा हुआ है इनर्ट, तो सारे कार्गोस के लिए सारों के लिए यहाँ पे लिखा है सल्फर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है यस ये सब, तो इट इज़ ऑल बीन रिटन ओवर हियर। तो हमें इसी के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। तो प्रोपेन में हमारे पास वी हैड ऑलरेडी 1792G, एफ और आर और 310, एफ और आर भी हमने देख लिया, तो इसमें एफ में तो कुछ नहीं बोला बट आर में दैट इज़ रोमियो में हमें इनडायरेक्ट क्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टेड एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 13.2 ये वाला बोल दिया। वी विल गो टू नाउ चैप्टर 13। चैप्टर 13 में क्या लिखा हुआ है उसके लिए कि किस तरीके से उसको लोड करना है या क्या करना है वो बता देंगे अभी इसी में हमें। ये रहा, तो दैट वाज 13.2.2.1, तो ये 2.1 में क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट डिवाइसेस विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द कार्गो बाय मीन्स सच एज वेइंग और पाइप फ्लो मीटर, फिर क्लोज डिवाइसेस विच डू नॉट पेनिट्रेट द कार्गो टैंक सच एज डिवाइसेस यूजिंग द रेडियो आइसोटोप्स और द अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस। तो इसमें क्या क्या टैंक की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्लोज डिवाइसेस विच पेनिट्रेट्स द कार्गो टैंक बट विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सिस्टम एंड कीपिंग, तो ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स, या इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि वी ऑलरेडी जनरली पता होती हैं, जैसे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हो गए, फ्लोटिंग टाइप सिस्टम हो गया, मैग्नेटिक प्रोब्स, बबल ट्यूब, इंडिकेटर्स, ये सब। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को प्रोपेन को हो गया, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो गया, चाहे आईबीसी में हो गया चाहे आईजीसी में हो गया, अगर आईबीसी में है तो हमें चैप्टर 17 है, आईजीसी में हमारे पास चैप्टर 19 है, तो इस तरीके से वी कैन सर्च इट आउट एनीथिंग और किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसकी। ये फिर हमारे पास है 2G 2PG वाले भी थे कि क्या होता है टैंक्स, तो वो तो जनरली पीपल नो कि 2G 2PG टाइप, बट उनकी भी डेफिनेशन इसमें दी हुई है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जैसे प्रोपेन है तो यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रोपेन का कि फैक्टर एम क्या है उसका। तो दिस वन इज आल्सो गिवन इन चैप्टर 8 3.5। यहाँ पे जैसे मेम्ब्रेन टैंक की डेफिनेशन, मेम्ब्रेन टैंक क्या होता है, जनरली इंटीग्रल टैंक्स ये रहे, मेम्ब्रेन टैंक्स ये रहे,
सेमी मेम्ब्रेन टैंक्स ये रहे, इंडिपेंडेंट टैंक्स ये रहे, टाइप ए टैंक, टाइप बी टैंक, इनका कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, इंटरनल इंसुलेशन टैंक्स, लीनियर जो लाइनर मीन्स एंड थिन नॉन सपोर्टिव मेटालिक, तो ये सब जो है वो डिज़ाइन, वेपर प्रेशर्स, ये सब भी चैप्टर 4 में दिए हुए हैं। तो बाउ लोडिंग एंड अस्टर्न, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप अ टाइप 2G शिप और ऑफ मोर देन 150 मीटर इन लेंथ शुड बी एज्यूम टू सस्टेन डैमेज एनी वेयर इन द लेंथ लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड्स ऑफ डैमेजेस भी लिखा हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑफ डैमेजेस के लिए। अ टाइप ऑफ 2G 150 लेंथ और शुड एज्यूम एज सस्टेनिंग डैमेज वेयर एज लेंथ वाला, दिस ऑल हियर। और यहाँ पे किस टाइप की शिप्स होती हैं, यहाँ पर डेफिनेशन सी है। लोकेशन ऑफ टैंक किस तरीके से हो जाता है, अगर टाइप 2PG या 2G 2PG एंड 3G शिप्स फ्रॉम द मॉड्यूल लाइन, ये वाला 760 है। और यहाँ पे मतलब 2PG और 2G 2PG और 3G के लिए सेम ही रिक्वायरमेंट है, तो इसी में दी हुई हैं। और हमने IGC कोर्स में भी पढ़े हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से, तो मतलब यहाँ से वी कैन फाइंड इट आउट कि टाइप 2PG शिप्स क्या हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। विल जस्ट लीव की थोड़ा सा 760 mm तो होना ही चाहिए। यहाँ पे अ टाइप 2PG या टाइप 2G शिप इज अ गैस कैरियर ऑफ 150 मीटर इन लेंथ और लेस, इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट एज मेंशन इन चैप्टर 19 विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिक्लूड स्केप। तो ये जो है ये डेफिनेशन है उसके टाइप 2PG की, और यहाँ पे 2G लिखा हुआ है, बट ये 2PG और 2G की यहाँ पे डेफिनेशन दोनों एक साथ ही करके कह सकते, वी कैन से। एंड वेयर द प्रोडक्ट्स आर कैरियड इन इंडिपेंडेंट टाइप सी टैंक्स डिजाइन फॉर अ मास एट लीस्ट 7 bar gauges एंड द कार्गो कंटेनमेंट सिस्टम डिजाइन विद टेम्परेचर ऑफ -55 degrees Celsius और अबव। नोट दैट द शिप ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन बट नॉट ओवर 150 मीटर इन लेंथ इज टू बी कंसिडर्ड टू बी टाइप 2G। तो इन्होंने कहा कि जो 150 मीटर इन लेंथ बट नॉट 150 मीटर, जो 150 मीटर से कम है उनको 2G बोल दो, जो ज़्यादा है 2PG बोल दो। तो दिस इज़ हाउ, तो यहाँ पे सारी की सारी डेफिनेशन दी हुई। तो प्रोपेन के लिए हमें 2G या 2PG की डेफिनेशन पता लग गई क्या होता है, उन टैंक्स का कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए वो नीचे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, लोकेशन ऑफ टैंक्स का देख लिया हमने। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डैमेज का देख लिया यहाँ पे हमने। फिर चैप्टर नंबर 13 जो था उसमें कि किस तरीके का उसमें टैंक पे रिक्वायरमेंट चाहिए वो देख लिया। तो दिस इज़ हाउ वी विल लोड द प्रोपेन। तो चैप्टर 19 से वी कैन सर्च इट आउट एवरीथिंग, चैप्टर 19 में दिया हुआ है। भाई ये वाला थोड़ा सा रीड अप कर लेते हैं, यू कैन रीड दिस वन। थोड़ा सा प्रोपेन का मैं देख लेता हूँ कि टेम्परेचर प्रोपेन का, इफ आई कैन फाइंड इट आउट।
हाँ ये था, मिल गया। जो प्रोपेन है वो -42.3 डिग्री सेल्सियस का है, मीथेन जो है वो -163 डिग्रीज, इथेन जो है वो -88 डिग्रीज, ब्यूटेन -0.5 डिग्रीज, इथाइलिन -1.4 डिग्रीज। ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये भी आईजीसी कोड में दिए होने चाहिए, ये भी दिए ही होंगे। जैसे प्रोपेन का -42.3। मिल नहीं रहा है, बट फ्रॉम समवेयर ओनली आई रिमेम्बर कि मैंने आईजीसी कोड से ही निकाला हुआ है ये जो टेम्परेचर्स हैं, मैंने यहीं कहीं से निकाले हुए हैं। मैं एक बार और टेम्परेचर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने निकाले थे वो मैंने यहीं कोड से ही निकाले हुए थे, और देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। मीथेन का जो टेम्परेचर है, यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल्सो समवेयर, कि मीथेन का जो टेम्परेचर था वो -163 डिग्री सेल्सियस, इथेन का 88 डिग्री सेल्सियस, प्रोपेन का -42.3 डिग्रीज, और ब्यूटेन का -0.5 डिग्रीज, और इथाइलीन का -104, और इन्हीं के टेम्परेचर्स पूछे भी जाते हैं। सो दैट्स इट। और बाद में जो और सारे प्रोसीजर्स हैं कि लोड करते समय क्या प्रिकॉशंस लेंगे, क्या करेंगे, सो दिस इज़ नॉर्मल, नॉर्मल है प्रोसीजर्स, उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव, कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में तो आई थिंक एवरी वन कैन थिंक ऑफ दिस वन, कि आराम से अगर नहीं है तो कोई गैस हैंड है तो वो बता देगा आराम से मुझे। मैं भी गैस हैंड नहीं हूँ तो उतनी अच्छी तरीके से मैं बता नहीं पाऊँगा, बाकी तो नॉर्मली वी कैन नो कि हाँ है उसमें वॉल्स चेक करने हैं, उसका जो अपना प्रेशर गेज है वो चेक कर लेना है, फिर मास का जो मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए वो एज डिस्क्राइब जो आईजीसी कोड में वो वही होना चाहिए, गेजिंग करते टाइम ध्यान जो गेजेस रिप्रेजेंट करें तो वो सब देखना है हमें, सही दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, और प्री लोडिंग से पहले सारे गेजेस को कैलिब्रेट करना है और ये सब, तो दैट्स ऑल ऑफ इट कि इसमें किस तरीके से तो और प्रिकॉशंस लेकर के और ज़्यादा प्रिकॉशंस यू कैन मेक, तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी लोडेड।